अस्सलाम वालेकुम जूनियर टू, हाउ आर यू ऑल? बेटा प्लीज़ ओपन योर नेक्सस इंग्लिश ग्रामर. यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट यूनिट नंबर 5, नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताया था. आई होप यू हैव कम्प्लीटेड योर वर्क ऑन पेज नंबर 14 एंड होमवर्क पार्ट ए बी ऑन पेज नंबर 15. नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी. ईच सेंटेंस हैज़ अ नाउन. बेटा अब ये सेंटेंस आप देखेंगे तो इस हर एक सेंटेंस में एक नाउन है. आपने अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन इट, उसको अंडरलाइन करना है. ऑल्सो राइट व्हाट इट्स नेम. और अंडरलाइन करने के बाद आपने बताना है कि वो नाउन में क्या है, नेम है, पर्सन है, थिंग है या एनिमल नेम है. ऑल राइट, लेट स्टार्ट. नंबर 1, अल्फ्रेड इज़ फेयर बट शॉर्ट. अब देखें, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 में अल्फ्रेड. तो अल्फ्रेड बेटा क्या है, आपने अल्फ्रेड को अंडरलाइन करना है और उसके बाद बताना है कि ये नाउन में इसको क्या बोलते हैं. तो अल्फ्रेड बेटा इज़ अ नेमिंग वर्ड. तो ये क्या है, पर्सन है. ठीक है, क्या है ये, पर्सन. नंबर 2, अ चेयर इज़ लेइंग देयर. चेयर, अब चेयर क्या होती है, चीज़ होती है, कुर्सी चीज़ है. तो आपने चेयर को अंडरलाइन किया और उसके आगे लिखा चेयर इज़ अ थिंग. नंबर 3, हॉर्सेज आर वेरी फेथफुल. हॉर्सेज, हॉर्सेज बेटा क्या है, घोड़े जानवर हैं. तो आपने उसके आगे क्या मेंशन कर देना है, एनिमल. नंबर 4, वी लुक अगली विदाउट क्लोथ्स. हम अगली लगते हैं यानी बदसूरत लगते हैं विदाउट क्लोथ्स. अब क्लोथ्स को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसमें जो नाउन है वो क्लोथ्स है. क्लोथ्स भी क्या है, थिंग है. नंबर 5, वी वर्शिप इन होली प्लेसेस. होली प्लेसेस को आपने अंडरलाइन कर देना है. और होली प्लेसेस क्या है, प्लेस है, जगह का नाम. वी वर्शिप इन होली प्लेसेस यानी हम मुकद्दस जगहों पर इबादत करते हैं. होली, होली जो है बेटा वो क्या है, जगह का नाम है. नंबर 6, द कॉकरोच इन द मॉर्निंग. अब ये जो है सी ओ सी के कॉकरोच इन द मॉर्निंग. अब आपने ये इसको अंडरलाइन किया है और ये क्या है, एनिमल है. नंबर 7, जैकल्स आर वेरी कनिंग. तो जैकल्स भी जो हैं वो क्या हैं, एनिमल हैं. नंबर 8, ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज. विलेज, विलेज इज़ अ प्लेस. अ पेंसिल इज़ टू ड्रॉ विद. पेंसिल क्या होती है, पेंसिल होती है चीज़. बेटा कंप्लीट दिस ऑन योर बुक पेज नंबर 15 पार्ट सी. आई एम गिविंग यू होमवर्क पार्ट बी. रिमेनिंग पार्ट्स जो सी और डी रह गया था, दैट इज़ योर होमवर्क. 5 नाउन्स नेमिंग प्लेसेस. बेटा आपने 5 जो है वो जगहों के नाम लिखने हैं और डी पार्ट है 5 नाउन्स नेमिंग थिंग्स और 5 ही चीज़ों के नाम लिखने हैं. नेमिंग थिंग्स यानी चीज़ों के नाम आपने लिखने हैं. ठीक है, पार्ट सी एंड डी ऑन पेज नंबर 15 फ्रॉम पार्ट बी इज़ योर होमवर्क. डू इट ऑन योर बुक. ऑल राइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.